हेलो गाइस, आई एम स्मित। वेलकम बैक टू एसएम ऑर्डर। कैसे हो आप सब? तो मेरे पास खड़ी है अभी 2021 बजाज पल्सर 220F। तो ये न्यू मॉडल आया है अभी, इसमें मीटर में चेंजेस दिए गए हैं इसके, तो बताऊंगा आपको मीटर के बारे में भी। देख सकते हैं कलर ब्लैक एंड ब्लू में आपको मिल जाता है, एंड एक और आपको ब्लैक एंड रेड में मिलता है। तो काफ़ी बढ़िया लगता है ये कलर, एंड काफ़ी फेमस थी ये बाइक जब लॉन्च हुई थी, तो मेरे को भी काफ़ी बढ़िया लगती है। तो फ्रंट में आप देखोगे, फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं हेलोजन में, एंड हेलोजन लाइट मिलती है पूरी आपको। इधर भी हेलोजन दो लाइट मिलती है, तो काफी बढ़िया लुक आता है फ्रंट से इसका। एंड इंडिकेटर की बात करें, आपको इसमें हेलोजन इंडिकेटर मिलते हैं, एलईडी इंडिकेटर नहीं मिलते। ऑन करके दिखा देता हूं आपको मैं, तो देख सकते हैं आपको हेलोजन इंडिकेटर मिलते हैं ऐसे। एंड इधर आप देखेंगे फ्रंट का हुड है, यहाँ पे टच दिया गया ब्लू एंड कार्बन फाइबर का, तो काफी एक बढ़िया टच दिया गया यहाँ पे। और ये आपके नंबर प्लेट के लिए है। इधर आप देखोगे आपको फ्रंट मिल जाते हैं टेलीस्कोपिक फोक्स, एंड बाइबर का ब्रेक आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, एंड सिंगल चैनल एबीएस आपको मिलता है, ड्यूअल चैनल एबीएस नहीं मिलते आपको इसमें। 90/90 का आपको फ्रंट टायर सेक्शन साइज मिलता है, बट इसमें 100 का सेक्शन साइज देना चाहिए था। तो इधर आपको एक हुड मिल जाता है जो बैंड पाइप है उसको प्रोटेक्ट करता है, एंड इधर आपको कैटलिक कन्वर्टर देखने को मिलेगा। एंड बात कर ले इसके इंजन स्पेक्स की, आपको इसमें मिलते हैं 220 सीसी सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड FIBS6 इंजन। तो पावर प्रोड्यूस होती है इसमें 20.1 bhp, एंड टॉर्क प्रोड्यूस होती है इसमें 18.5 न्यूटन मीटर। ठीक ठाक आपको इसमें पावर मिल जाती है, जो NS एंड RS आपको उसमें ज्यादा पावर मिलती है, इसमें थोड़ी कम है, बट ये कंफर्टेबल ज्यादा आपको मिलती है। एंड इसके फ्यूल टैंक की बात करें, आपको 15 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, काफी बड़े आपको कैपेसिटी मिल जाती है फ्यूल की। जो एवरेज आपको मिलेगी वो मिलेगी 35-40 kmpl की। अब मीटर की बात करें, आपको ऐसा कुछ मीटर मिल जाता है, ऑन करके दिखाता हूँ आपको दोबारा कैसा है मतलब। तो देख सकते हैं ऐसे कुछ ग्राफिक आते हैं जब ये ऑन होता है, एंड इधर आपको एनालॉग मिलता है, इधर आपको फुली डिजिटल मिलता है। जब आप इस बटन को इधर नीचे करेंगे, जब आपको ये सारे फंक्शन दिखाएगा, यहाँ पे आपको सर्विस की लाइट दिखाता है, यहाँ का इंजन माल फंक्शन है, ये हीट की लाइट है, यहाँ पे RPM शिफ्ट इंडिकेशन है, ये आपका इंडिकेटर का इंडिकेशन है देख सकते हैं, एंड इधर न्यूट्रल का, एंड इधर आपको ABS की लाइट मिल जाती है। तो मीटर की बात करें, आपको इसमें साइड स्टैंड फीचर भी मिल जाते हैं, एंड इधर देख सकते हैं आप, ये आपका स्पीडोमीटर है, आपको ट्रिप वन मिल जाते हैं, ट्रिप वन के आपको इसमें एवरेज बताएगा, आप ट्रिप टू देखेंगे उसकी भी एवरेज बताएगा, एंड नॉर्मल आपका ऑडोमीटर है उसके हिसाब से भी आपको एवरेज बताएगा इसमें। तो ये नया फीचर दिया गया है आपको, अब इसमें एवरेज पता चलेगी बाइक कितनी एवरेज दे रही है ट्रिप वन में भी एंड ट्रिप टू में भी। तो काफ़ी बढ़िया आपको इसमें फीचर मिल जाता है, एंड थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंज करे गए हैं। यहाँ पे आपको फ्यूल लेवल दिखाता है, अभी इसमें फ्यूल नहीं है, जैसे कि आप ऑन करोगे यहाँ देखोगे, ये देखो फ्यूल की लाइन दिखा रहा है, तो आपको इधर मिरर मिल जाते हैं, तो ठीक ठाक विजिबिलिटी आपको इसमें मिलती है। ज्यादा बढ़िया नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे दोस्त के पास है, मैंने चलाई है बाइक, तो विजिबिलिटी इतनी खास नहीं है। आपका जो क्लच है वेट मल्टीपल क्लच आपको इसके अंदर मिल जाता है, एंड काफी टाइट क्लच है गाइस इसका, एंड थोड़ा अंदर की तरफ भी है क्लच, ज्यादा ही आगे दे रखा क्लच, तो बहुत ही टाइट आपका क्लच। एंड क्लिप ऑन हैंडल बार्स आपको इसमें मिल जाते हैं। इधर देखोगे आपको पल्सर की 3D में लोगो मिल जाएगा, एंड आपको इसमें पहले से टैंक पैड मिल जाता है आपके, मतलब टैंक पे स्क्रैच ना लगे। सीट की बात करें, आपको इसमें स्प्लिट सीट मिल जाते हैं, एंड सीट का जो साइज है वो काफी बड़ा है पीछे और अगली वाली दोनों का, एंड काफी कंफर्टेबल है कुशनिंग इसकी, तो लॉन्ग राइड इजीली आप कर सकते हो, और पोजीशन भी काफी ठीक है इसकी। एंड इधर देखोगे आपको इसमें 5-speed गियर बॉक्स मिल जाता है, 6-speed गियर बॉक्स आपको इसके अंदर नहीं मिलता, एंड इसकी टॉप स्पीड भी आपको मिलेगी 140 या 150 के अराउंड, 150 थोड़ी मुश्किल से जाएगी गाइस, मतलब टाइम लगाएगी थोड़ा, क्योंकि हमारे दोस्त के पास हमने रेस भी कर रखी है पहले, तो इतनी ही जाती है ये। पहले जो आती थी BS3 मॉडल वो ज्यादा तेज भागती थी, इनमें थोड़ा भी टॉप स्पीड है वो थोड़ी कम है। एंड आपको इसमें ड्यूल हॉर्न मिल जाते हैं, आपको इसमें डबल स्टैंड मिल जाते हैं, एंड सिंगल स्टैंड भी, एंड ऐसे कुछ आपको इसमें फुट पैक मिलते हैं, नॉर्मल फुट पैक है। पीछे के सस्पेंशन की बात करें, आपको इसमें ट्विन शॉक सस्पेंशन मिल जाते हैं इसमें, जो कि एडजस्टेबल है। इधर की पीछे की लाइट देखोगे, ऑन करता हूं मैं पीछे की लाइट, तो आपको फुली LED लाइट मिल जाते हैं पीछे की, कोई चेंजमेंट नहीं है इसमें, एंड हेलोजन इंडिकेटर आपको इसके अंदर मिलते हैं। टायर साइज की बात करूं पीछे की, आपको 120 सेक्शन का टायर साइज मिल जाता है पीछे, तो ये भी थोड़ा बड़ा देना चाहिए था, क्योंकि इनकी जो RS है NSO में भी बड़ा टायर सेक्शन साइज आता है। एंड ऐसा कुछ आपको एग्जॉस्ट मिलता है, एग्जॉस्ट की आवाज काफी बढ़िया है इसकी, आपको लास्ट में सुना देंगे। एंड अब इसकी बात करते हैं हम ग्राउंड क्लियरेंस की, आपको इसमें मिलता है 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, तो ठीक ठाक ग्राउंड क्लियरेंस है। वेट की बात करें तो 160 kg का आपको इसके अंदर ओवरऑल वेट मिल जाता है। सीट हाइट की बात करें 795 mm की आपको इसमें सीट हाइट मिल जाती है। तो गाइज यही कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस थी, एंड यही चेंजेस आए हैं 2021 में, तो बढ़िया चेंजेस दिए गए हैं मीटर में, आपको एवरेज बता देता है, तो काफी बढ़िया फीचर है। बट इसमें आपको गियर इंडिकेशन नहीं मिलता, एंड टाइम भी नहीं दिखाती है, ये भी कमी पूरी कर देनी चाहिए थी इनको। तो गाइज बताओ आपको कैसी लगी पल्सर 220F, कमेंट करो एंड लाइक करो वीडियो को, एंड शेयर जरूर करो। और आपको मैं प्राइस बताता हूँ इसका, तो एक्स शोरूम प्राइस है 1.25 lakh, एंड ऑन रोड आपको मिलेगी 1.44 lakh इन गुड़गांव में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं आपको ऐसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।